हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, अगर आप डीएनएस स्पॉन्सरशिप एग्जामिनेशन के लिए वेट कर रहे हो तो बता दो कि डीएनएस स्पॉन्सरशिप एग्जामिनेशन 2023 का फॉर्म ऑलरेडी आ चुका है फॉर सिनर्जी मेरिन ग्रुप। सिनर्जी मेरिन ग्रुप इंडिया में टॉप मोस्ट कंपनी में से एक कंपनी है। तो इस कंपनी का डीएनएस स्पॉन्सरशिप का फॉर्म ऑलरेडी आ चुका है। तो उसका लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने का 1 मई 2023। तो अभी भी डेट है, तो मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताऊंगा ईच एंड एवरीथिंग। आप उसका फॉर्म कैसे फिल करेंगे, ईच एंड एवरीथिंग बताऊंगा, उसका फीस कितना होता है फॉर्म फिल करने का, सब कुछ बताऊंगा। बताने से पहले बताऊंगा कि आपको पहले जानना चाहिए इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होना चाहिए। तो मैं आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दूंगा इसी वीडियो में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताऊंगा कि अगर आपको डीएनएस स्पॉन्सरशिप एग्जामिनेशन स्टडी मटेरियल, आर्मी सीरीज स्टडी मटेरियल, सेकेंडरी टेस्ट क्वेश्चन, इंटरव्यू क्वेश्चन, सब कुछ चाहिए तो एक बार चेक माय डिस्क्रिप्शन सेक्शन, आपको कुछ लिंक मिल जाएगा, आपको उस लिंक से स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट वीडियो। सो गाइस, देखिए, अगर आपको सिनर्जी का फॉर्म फिल करना है फॉर डीएनएस स्पॉन्सरशिप एग्जामिनेशन 2023, तो फॉर्म फिल करने से पहले आपको देखिए पहले जानना चाहिए इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, बिकॉज सारा कंपनी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिफरेंट होता है। देखिए यहाँ पे देखिए, जो पहले लाइन पे देखिए लिखा हुआ है कि आर्मी सर्टिफिकेट मैंडेटरी है, ये सबको पता ही है। मतलब आपको सिनर्जी का एग्जाम भी पास करना पड़ेगा प्लस आर्मी सर्टिफिकेट भी पास करना पड़ेगा, विदाउट आर्मी सर्टिफिकेट आपको स्पॉन्सरशिप नहीं मिलेगा। और देखिए स्पॉन्सरशिप में आपका फीस इंक्लूड नहीं है, आपको आपका फीस, आपका कोर्स का फीस आपको खुद को ही पे करना पड़ेगा। स्पॉन्सरशिप मतलब बस आपको प्लेसमेंट मिलेगा, ठीक है। और जो रजिस्ट्रेशन लिंक है मैं मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आपको वहाँ से लिंक मिल जाएगा। और बाकी उसका प्रोसेसिंग कैसे फॉर्म फिल होता है सब कुछ मैं इसी वीडियो में दिखाऊंगा, तो आप भी वेट करके थोड़ा सा वीडियो पूरा जरूर देख लीजिए, तो आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो देखिए जो मेन जो चीज़ है एलिजिबिलिटी, देखिए लिखा हुआ है बॉर्न ऑन और बिफोर 1 जनवरी 2006 एंड आफ्टर 1 जनवरी 1999। मतलब आपका डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 1999 से 2006 के अंदर होना चाहिए। और आपका देखिए मिनिमम क्लास 12 में पीसीएम में 60% मार्क्स होना चाहिए और ओवरऑल 60% मार्क्स होना चाहिए। और आपका क्लास 10 या फिर क्लास 12 में 50% मार्क्स होना चाहिए इंग्लिश में, ठीक है। और देखिए हाँ, शुड बी अपेयरिंग इन क्लास 12 एग्जाम इन ईयर 2023। मतलब अगर आप इसी साल अपेयर कर रहे हैं 2023 में तभी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अगर आप पिछले साल फॉर्म, मतलब अगर क्लास 12 पास कर चुके हैं तब आप ये फॉर्म फिल नहीं कर सकते। तो यहीं पे ट्रिक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट का इधर ही लॉस हो जाता है, मतलब उनके लिए ऑप्शन फिर बंद हो जाता है। तो जो लोग अभी क्लास 12 एग्ज़ाम देगा 2023 में, मतलब अभी जो एग्ज़ाम हुआ या फिर होने वाला है, अगर आप भी एग्ज़ाम दिए हैं तभी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। और देखिए सिलेबस देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और इनका एग्ज़ाम होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, तो आप फॉर्म फिल करने के टाइम पे आपको आपका सेंटर चूज़ करना पड़ेगा, फिर वहाँ पे जाके आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो सर वो सेंटर कैसे चूज़ होगा, कहाँ से होगा, तो मैं आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगा पूरा, आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिए, ठीक है। और देखिए यहाँ पे एग्ज़ाम होगा आपका 3 घंटे का, इसमें आपका 200 MCQ क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। उसमें से 100 क्वेश्चन रहेगा आपका, मतलब का स्टडी से, मतलब क्लास 12 के सिलेबस से, और 100 रहेगा इंग्लिश एंड एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चन। और आपका नेगेटिव मार्किंग भी है 0.25 मार्क्स का। और देखिए यहाँ पे आपका क्लास 12 का जो आपका सिलेबस होगा, देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, जस्ट क्लास 12 नॉट क्लास 11, क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्लास 12 फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स फ्रॉम अप्रूव्ड सिलेबस ऑफ CBSE एंड ICSE बोर्ड, ठीक है। और देखिए इंग्लिश और एप्टीट्यूड में देखिए क्या रहेगा, न्यूमेरिकल रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन, वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, ठीक है। तो इसके सिलेबस के ऊपर मेरे स्टडी मटेरियल भी बना हुआ है, साइकोमेट्रिक टेस्ट प्लस आपका एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है, आप उसको ले सकते हैं अगर आप चाहे तो। और देखिए इसका देखिए लास्ट डेट लिखा हुआ है, लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन May 1st, ठीक है। तो इसका एलिजिबिलिटी बाकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि आप उसका फॉर्म कैसे फिल करेंगे, साइनअप कैसे होगा, ठीक है। तो आप जैसे इस लिंक पे क्लिक करेंगे आप पहुँच जाएंगे एक पेज पे, बाकी उसके बाद का पहुँचा मैं आपको दिखाऊंगा अभी। सो मेरे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जो रजिस्ट्रेशन लिंक दिया हुआ है, आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप पहुँच जाएंगे इस लॉगिन और साइनअप पेज पर। फिर आपको यहाँ पर साइनअप करना पड़ेगा, नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब कुछ पुट करना पड़ेगा, पासवर्ड देना पड़ेगा, फिर आपको यहाँ पे साइन अप करना पड़ेगा। स्पेशली आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी करेक्ट होना चाहिए, आपका पासवर्ड भी करेक्ट होना चाहिए। फिर देखिए अभी साइन अप कर लिए, फिर आपके सामने कुछ इंस्ट्रक्शन आया, इंस्ट्रक्शन में क्या लिखा हुआ है कि आपको आपका फिर मेल चेक करना पड़ेगा, वहाँ पर लिंक आएगा येलो हाईलाइटर से, फिर उस लिंक पर क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं अभी अपना मेल ओपन करूँगा, ठीक है, तो फिर वहाँ पर मैं दिखाऊँगा कि वहाँ पर कैसे कहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। देखिए मैं ये मेल ओपन, देखिए मेल में देखिए सिनर्जी से मेल आ गया ऑलरेडी साइन अप का। देखिए यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, देखिए यू मे नाउ डायरेक्टली लॉग इन, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ना क्लिकिंग हेयर, तो उस हेयर पे आपको क्लिक करना पड़ेगा तभी आप फॉर्म पे पहुँचेंगे। देखिए तो हेयर पे क्लिक कर लिया मैं, हाँ, तो ये है सिनर्जी का जो पोर्टल है एग्ज़ाम का,
यहाँ से आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा, कैसे फॉर्म फिल होगा सारे एग्ज़ाम का, ठीक है। चाहे आप कुछ भी देख कैरेट, इंजन कैरेट, जी पी रेटिंग, ट्रेनिंग, जी एस, जी एम ई, ई टी ओ, कुछ का अगर आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपको इसी पेज पर आना पड़ेगा। तो इसका फर्स्ट पेज है, आपको इसका फॉर्म फिल इसका आपको अपलोड करना पड़ेगा, मतलब आपका अपडेटेड नहीं है पूरा, फोटो डालना पड़ेगा, आधार नंबर डालना पड़ेगा। तो देखिए अभी जो इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगा, देखिए ठीक है, बाकी जो देखिए यहाँ पे जैसे आप लेफ्ट साइड मेनू में क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे डैशबोर्ड है, तो देखिए यहाँ पे देखिए सारा एग्ज़ाम का सिलेबस जो मैं अभी आपको दिखाया वही सेम चीज़ आपको यहाँ से भी सेम चीज़ मिलेगा, ठीक है। जो कि मैं इस वीडियो का शुरू में मैं ऑलरेडी दिखा दिया सारे एग्ज़ाम का, डेक कैरेट, इंजन कैरेट, ट्रेनिंग, जी एस, जी पी रेटिंग, ई टी ओ, जी एम ई, देखिए ठीक है, ये सब कुछ आप ठीक से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। और आपके इसको आपको ये फिल करने के लिए एक फ़ीस लगेगा, मैं भी अब दिखाऊंगा आपको फ़ीस वीस कहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो ये पूरा इन्फॉर्मेशन है और ये नो रिफंड पॉलिसी, रिफ़ंड पॉलिसी भी एक बार ठीक से आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है रिफ़ंड पॉलिसी। और हाँ, और भी कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिया हुआ है, अगर आप चाहें तो इसको पूरा पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो मेन चीज़ है कि आप इसका फॉर्म फिल अभी मतलब कैसे करेंगे, ठीक है। तो मैं भी आपको ये दिखाऊंगा कि नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, ठीक है। तो इसका पूरा पेज है, थोड़ा स्क्रॉल कर लेता हूँ। हाँ, अब देखिए यहाँ पे रजिस्टर फॉर सीनेट एग्जाम करना पड़ेगा, ठीक है। तो रजिस्टर पे क्लिक, जैसे क्लिक करेंगे रजिस्टर पे, अभी थोड़ा इंटरनेट स्लो है, हाँ अभी आ रहा है, देखिए। हाँ देखिए, अभी देखिए आपको जो भी कोर्स करना है उस पर व्यू डिटेल्स पर आप जैसे क्लिक करेंगे आपको उसका सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है। देखिए अभी देखिए व्यू डिटेल्स है, बट अभी क्या प्रोसेस है कि आपको पहले आपका प्रोफाइल कंप्लीट करना पड़ेगा, मतलब आपको फोटो अपलोड करना पड़ेगा, आधार कार्ड देना पड़ेगा, आधार नंबर, फिर तभी यहाँ पे आप अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिलेगा। मैं भी दिखाता हूँ, देखिए अभी मैं दिखाऊँ, देखिए मतलब कोई भी कोर्स का आप देख सकते हैं व्यू डिटेल्स में चेक करके, देखिए जैसे कि डेक कैरेट का मैं सिलेक्ट किया हूँ। आप चाहे तो आपको जो भी कोर्स करना है, जी पी रेटिंग, ट्रेनिंग, जी एस, आप वहाँ पर क्लिक करेंगे, देखिए सो ही सेम इन्फॉर्मेशन। और देखिए फीस लिखा हुआ, देखिए 1750। टू अप्लाई दिस टेस्ट यू हैव टू कम्प्लीट योर प्रोफाइल, ठीक है। तो पहले मैं अपना प्रोफाइल कम्प्लीट कर लूँगा तभी मैं अप्लाई कर पाऊँगा, नहीं तो फिर नहीं अप्लाई कर पाऊँगा, ठीक है। तो अभी प्रोफाइल कम्प्लीट करने के लिए कैसा कैसा क्या करना पड़ेगा मैं अभी दिखाऊँगा अभी। हाँ, ये सीनर्जी एप्लीकेशन है, यहाँ पे तो प्रोफाइल नहीं है, देखिए यहाँ यहाँ पे बस व्यू डिटेल्स का है प्रोफाइल। हाँ प्रोफाइल प्रोफाइल, हाँ नहीं नहीं इधर भी नहीं है। हाँ इस बस ये पूरा आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। जी एम ई का है, सारा कोर्स का है, आपको जो भी कोर्स करना है वीडियो लिस्ट पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। इस सीनर्जी एप्लीकेशन यहाँ पे सारा एग्जामिनेशन का आपको पूरा डिटेल्स मिल जाएगा, देखिए। हाँ अभी प्रोफाइल पे मैं क्लिक करूँगा, प्रोफाइल पे भी जाऊँगा, तो देखिए प्रोफाइल ओपन हो रहा है। इधर आप मुझे अपना फ़ोटो अपलोड करना पड़ेगा, मतलब आपको आपका फ़ोटो अपलोड करना पड़ेगा, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ऑलरेडी है दिया हुआ है। और देखिए फ़ोटो का जो देखिए कितना केबी होना चाहिए, कितना साइज़ होना चाहिए, सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, आप पूरा इसको पढ़ लीजिएगा। देखिए जो भी स्टार मार्क किया हुआ है वो लिखा हुआ है, देखिए दिस फील्ड्स आर मैंडेटरी, ओके। देखिए यहाँ पे अब इसका आपका पासवर्ड भी आप चेंज कर सकते हैं, देखिए चेंज पासवर्ड का भी ऑप्शन है। देखिए फ़ोटो का देखिए विड्थ हाइट कितना कितना होना चाहिए वो भी दिया हुआ है, ठीक है। और क्या क्या रिक्वायरमेंट है फ़ोटो का, डेट आपको डेट ऑफ बर्थ देना पड़ेगा, फिर स्टेट, सिटी, ये सब कुछ करके फिर सेव एंड कंटिन्यू करना पड़ेगा, तभी आपका प्रोफाइल कंप्लीट होगा, फिर आप जो भी कोर्स के लिए आप अप्लाई करेंगे फिर आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। देखिए डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी ऑलरेडी है यहाँ पे दिया हुआ, मतलब वो साइन अप पे टाइम के आप दिए थे, ठीक है। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, हाँ। तो मैं अभी फिल कर लेता हूँ जेंडर डाल के, और फिर अपने डेट ऑफ बर्थ देखिए लिखा हुआ ना फर्स्ट 1999 से के बाद होना चाहिए, तो मैं 2000 देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट जनवरी 2000 साल, मतलब बस मैं जस्ट एक फॉर्म फिल करके आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे क्या होता है, ठीक है। जनवरी फिर फर्स्ट, हाँ फर्स्ट जनवरी, ईमेल आईडी है, आधार नंबर भी आपको देना पड़ेगा, ठीक है। आधार नंबर के बाद फिर आपको देना पड़ेगा स्टेट, फिर सिटी, देखिए स्टेट सिटी में सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। फिर आपको करना पड़ेगा सेव एंड कंटिन्यू। अच्छा मैं यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करना भूल गया था, तो मैं फ़ोटो अपलोड कर लेता हूँ। अच्छा देखिए मैं जो फ़ोटो अपलोड किया था, देखिए उस फ़ोटो को देखिए यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया, इनवैलिड फाइल डायमेंशन, तो मेरा जो डायमेंशन था वो गलत था। तो अभी मुझे इसका जो हाइट, मतलब हाइट और विड्थ के हिसाब से मुझे अपना फ़ोटो को एडिट करना पड़ेगा,
तो आप कोई भी वेबसाइट पे आप जा सकते हैं, रिसाइज डॉट इमेज, फिर आप यहाँ पे देखिए आपका फाइल चूज़ करके, ठीक है, फिर आपका दिया कि यहाँ पे नीचे देखिए हाइट विड्थ आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है, चेंज साइज जो भी उसका रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। तो मैं अभी करूँगा, अभी मैं अपना फाइल अपलोड कर दूँगा जो फ़ोटो है, देखिए मैं कर दिया, ठीक है, ऑल अपलोड होके देखिए ऑलरेडी मैं अभी डाउनलोड करूँगा, वो भी कन्वर्ट भी हो चुका है, अभी मैं डाउनलोड कर लूँगा उस फ़ोटो को, फिर अभी मैं जब अपलोड करूँगा देखिए वहाँ पर उसको फिर एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, तो अभी डाउनलोड हो गया। हाँ तो मैं अभी फिर से फ़ोटो को एक बार अपलोड कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, बिकॉज फ़ोटो अगर अपलोड नहीं होगा तो फिर आपका प्रोफाइल कंप्लीट नहीं है। वहाँ देखिए अभी देखिए फाइल्स अपलोडेड सक्सेसफुली। तो यही है आपका उसका जो हाइट एंड विड्थ आपको ठीक से क्लिक करना पड़ेगा, मतलब आपको सेट करना पड़ेगा, फिर सेव एंड कंटिन्यू करेंगे अभी। हाँ अभी देखिए यूज़र डिटेल्स अपडेटेड सक्सेसफुली। तो देखिए अभी देखिए मेरा प्रोफाइल कंप्लीट हो चुका है। तो अभी अगर रजिस्टर फॉर सीनेटिज़म करेंगे तो देखिए अभी देखिए अलग ऑप्शन आएगा। पहले देखिए जो ऑप्शन आया था, पहले जस्ट ऑप्शन आया था व्यू डिटेल्स, अभी देखिए अप्लाई का भी ऑप्शन आएगा। और जो सबसे चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखिए अप्लाई नाउ का भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अब जो कोर्स करेंगे उसी पे अप्लाई कीजिए पहली बार, ठीक है। जैसे कि अभी मैं अभी जीपी रेटिंग पे अप्लाई करते तो उसके बाद फिर यहाँ से निकल के और किसी कोर्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। तो आप एक ईमेल आईडी से, एक इन्फॉर्मेशन से आप एक ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए जैसे हम अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये सब इन्फॉर्मेशन मुझे देना पड़ेगा, देखिए एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन, कम्युनिकेशन डिटेल्स, एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन, फिर पेमेंट 1750 प्लस GST जो आपका पेमेंट होगा वो करना पड़ेगा। उसके बाद फिर आपके मेल पे एडमिट कार्ड आएगा, फिर कोई बाकी जो कम्युनिकेशन आपके मेल के थ्रू होगा, ठीक है। तो आपको जो पहले ही जो स्टेप है ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ठीक है, सबको आपको फिर ठीक से फिल करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे सेक्शन जो देखिए एप्लीकेशन नंबर, कम्युनिकेशन डिटेल्स, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, फिर पेमेंट, ये सब कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। और बाकी जो भी यहाँ पे स्टार मार्क किया हुआ है आपको वही फिल करना ही पड़ेगा। डू यू हैव यूएस वीज़ा, अगर आपके पास यूएस वीज़ा है तो यस कीजिए, नहीं है तो भी नहीं कीजिए। सेलिंग एक्सपीरियंस है तो यस कीजिए, नहीं है तो नहीं कीजिए। डीसी, डू यू हैव डीसी, केमिकल डीसी, ऑयल डीसी, गैस डीसी, देखिए लिखा हुआ है डू हैव ऑयल केमिकल डीसी, अगर डीसी है तो यस कीजिएगा, ठीक है। तो ये सब कुछ करने के बाद फिर आपको नेक्स्ट करना पड़ेगा, फिर आप पहुँचेंगे कम्युनिकेशन डिटेल्स पे, फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फिर पेमेंट। तो ये सब कुछ होने के बाद फिर आपके मेल पे एडमिट कार्ड आएगा, फिर आपको टेस्ट सेंटर पे जाना पड़ेगा, ठीक है, फिर आपको वहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट होगा। उसके बाद फिर आप अगर ऑनलाइन टेस्ट पास करेंगे फिर आपका होगा, फिर बाकी प्रोसेसिंग होगा। देखिए आप अगर आप एक फॉर्म में अगर आप अप्लाई नाउ कर देंगे, फिर देखिए आप दूसरे फॉर्म पे फिर आप देखिए अप्लाई नाउ पे करेंगे तो वो लोग अब उसको ओपन नहीं कर पाएंगे फिर से। तो आप एक आईडी से एक ही बार अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अभी लिखा हुआ आया था आपको कि यू कैन अप्लाई ओनली वन टाइम, ठीक है। तो आप बस बट आप व्यू डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं किसी भी कोर्स का, बट अप्लाई आप एक ही कोर्स के लिए कर सकते हैं, मतलब एक ही जॉब के लिए, मतलब एक ही एग्ज़ाम के लिए आप कर सकते हैं, ठीक है। बट व्यू डिटेल्स आप मतलब क्या क्या एलिजिबिलिटी आप किसी भी कोर्स का, मतलब किसी भी एग्ज़ाम का आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका ETO सेक्शन के लिए, अगर आप ETO का फिल कर रहे हैं तो ये देखिए ETO का सेक्शन है, ठीक है। तो जो भी आप इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे और आपके पास डेट भी है अभी दे भी, आप इसको एक बार आप साइन अप कर लीजिए, बट फिल मत कीजिए अभी। फिल करने के लिए आपके पास टाइम तो है, 1 मई तक आपके पास टाइम है। और ये फिल करने के टाइम पे अगर आपको कुछ भी दिक्कत होता है तो आप इनको कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं सिनर्जी को। तो इसका फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी भी दिया हुआ है, अभी मैं दिखाता हूँ, इसका डैशबोर्ड पर आपको मिलेगा, ठीक है। देखिए देखिए डैशबोर्ड, देखिए आप जैसे फिल करना स्टार्ट करें, देखिए आपके यहाँ पे ऐसे प्रीव्यू आ जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म, आपके कौन सा स्टेप कम्प्लीट किया है, और देखिए यहाँ पे ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर पर मिल रहा है, ठीक है। तो ये पूरा चीज़ इन्फॉर्मेशन है आपकी, जो भी दोस्त अभी सीनियर के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, ठीक है, चाहे किसी भी रैंक के लिए, GME, ETO, डेक केयर, इंजीनियर, उनके साथ वीडियो शेयर कर जितने उनको हेल्प हो जाए। तो आज के वीडियो ख़त्म करता हूँ, टेक केयर एंड बाय।